दोस्तों इस बटन को दबा के वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद यहाँ पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप, आप देख रहे हैं टेक बंटू चैनल को। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पंचायत चुनाव में जो पर्ची लेकर जाते हैं वोट डालने के लिए, जब वोट डालते हैं तो जो पर्ची लेकर जाते हैं उसे आप मोबाइल से किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूँ कि पंचायत चुनाव का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम है वो शुरू हो चुका है और 29 दिसंबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आरक्षण का काम है उसे लागू किया जाएगा और आरक्षण का काम शुरू होगा। जैसे ही आरक्षण का काम पूरा होता है उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे इसकी कोई अभी डेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये चुनाव फरवरी से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आप इस चुनाव की जो वोट डालते हैं उस समय जो आपके पास पर्ची रहती है उस पर्ची को मोबाइल से किस तरीके से निकालेंगे, ये जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आप मतदाता पर्ची को किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको मतदाता पर्ची निकालनी है तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश, आप ये वेबसाइट देख लें। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा पंचायत इलेक्शन 2020-21 और यहाँ नीचे वोटर लिस्ट लिखा होगा, वोटर सर्विस जो लिखा है आपको दोस्तों इसी वोटर सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर नेम एडिशनल मिलेगा, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस मिलेगा और दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं लिखा है सर्च पंचायत वोटर, डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल और दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पर्ची डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं डाउनलोड पर्ची ऑनलाइन वोटर पर्ची, यहाँ पर आप अपना नाम और पिता का नाम डालकर अपनी पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पर्ची डाउनलोड करनी है तो आपको सिंपल यहाँ डाउनलोड क्लिक टू डाउनलोड लिखा है, आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले जनपद सिलेक्ट करना है और विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं दोनों चीज़ों को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सबसे पहले जनपद ले लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका जनपद हो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ब्लॉक सिलेक्ट करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर विकास खंड आ रहा है तो विकास खंड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है, और उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत, आपको ग्राम पंचायत भी यहाँ से ले लेनी है। अब जो भी आपका गांव है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से मैंने तीनों चीज़ें सिलेक्ट कर ली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है, यहाँ पर आपको नाम डालना है और यहाँ पिता का नाम डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं नाम भी डाल देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ मकान नंबर, मकान संख्या जो है वो आपको पता है तो डाल देनी है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं छोड़ देनी है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चर भरना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है ये कैप्चर यहाँ खाली बॉक्स में भर देना है। तो चलिए मैं इस कैप्चर को भी फटाफट से भर के आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये कैप्चर भर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है सर्च,
यहाँ पर जो सर्च लिखा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी पर्ची डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिखा हुआ आ चुका है कि जनपद कन्नौज विकाटखंड सौरे ग्राम पंचायत, और यहाँ पर ये नाम भी आ चुका है। आप देख सकते हैं ये नाम आ चुका है। अब दोस्तों आपको पर्ची डाउनलोड करने के लिए प्रिंट पर्ची यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये पर्ची यहाँ पर आ चुकी है, आपको इसे प्रिंट करना है। तो यहाँ क्लिक टू प्रिंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप प्रिंटर से इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी टेक न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए।